Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नैब का शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग. नैब लाहौर के भेजे गए तमाम रेफरेंसेज मंजूर. चेयरमैन कमर जमान चौधरी की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास. नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट पर गौर. शरीफ खानदान इल्जामात का दिफा नहीं कर सका. नैब जराए का दावा. वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी रेफरेंस भेजने की मंजूरी. एहतसाब अदालत रावलपिंडी और लाहौर में दो दो रेफरेंसेज दायर होंगे. सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर. चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच भी तश्कील. इमरान खान, जहांगीर तरीन, हनीफ अब्बासी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी. समाअत 12 सितंबर को होगी. समझ नहीं आती पीटीआई हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रही. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पार्टी फंडिंग केस में पीटीआई वकील से इस्तफसार. पीटीआई वकील के मामला हाई कोर्ट में होने के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा. इलेक्शन कमीशन ने 11 सितंबर तक रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत दे दी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को फॉरन फंडिंग के जराये की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म. एमडी खैबर बैंक ने सूबाई वजीर खजाना पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए. शम्सुल कयूम ने इश्तिहार छाप कर शेख सेवन की खिलाफ वर्जी की. महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने एमडी खैबर बैंक को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया. कॉपी आज न्यूज को मौसूल. डेंगू मच्छर से डरने वाले इमरान खान पार्टी सरबराही के लायक नहीं. अस्पताल के नाम पर फंड्स खाने और दूसरी पार्टीज के करप्ट अफराद को लाने की सियासत अब नहीं चलेगी. आयशा गुलाले की कप्तान पर तनकीद. कहा आवाम पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे में शिरकत ना करें. आयशा गुलाले ने डी सीट करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन से वकील करने के लिए मोहलत भी मांग ली. इस्लामाबाद में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत सुफरा कॉन्फ्रेंस जारी. वजीर आजम कुछ देर बाद खिताब करेंगे. वजीर खाजा ख्वाजा आसिफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान. वजीर आजम ने आज शाम वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया. खारजा पॉलिसी और अमरीकी सदर के बयान से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा. मामले पर 12 सितंबर को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास भी होगा. सिंध हुकूमत की कोशिशें नाकाम. एडी ख्वाजा आईजी सिंध के ओहदे पर बरकरार. सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया. आईजी सिंध को 3 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता. सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने का ऐलान. अदालती फैसला गुड गवर्नेंस और पुलिस की बतौर इदारा फतह है. एडी ख्वाजा का रद्द अमल. अंसारुल शरिया का शूटर पकड़ा गया. हसास इदारे की मुल्तान में कार्रवाई. ख्वाजा इजारुल हसन पर हमले के बाद कराची से मफरूर दहशतगर्द तलहा अंसारी को धर लिया. तलहा अंसारी दहशतगर्द सरोज सिद्दीकी का करीबी साथी है. तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल. कराची के इलाके गुलशन हदीद में सीपीएलसी और एवीसीसी की कार्रवाई. दो अगवाकार हलाक. मोहरी ताजर मसूद फेरोज बाजियाब रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था. पेशावर में पुलिस की कार्रवाई. 4 दहशतगर्द गिरफ्तार. 15 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और सेफ्टी फ्यूज बरामद. सिंध में 90% पानी पीने के काबिल नहीं. ऐसी ऑडिट रिपोर्ट का क्या फायदा जब सम्राट अवाम तक ना पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स. कहा अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए. हमें कागजी कार्रवाई नहीं, काम चाहिए. वाटर कमीशन की रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म. बुलंद हौसले और ऊंची उड़ान से दुश्मन पर धाक बिठाते पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम. आज मुल्क भर में यौमे फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है. खतरात से निमटने के लिए हरदम तैयार हैं. मुल्क की सालमियत और तहफ्फुज हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे. सरबरा पाक फिजाइया का पैगाम. कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत पेश.
कुवैत और ईरान रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मैदान में आ गए। सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक से म्यांमार हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बर्मा हुकूमत के खिलाफ कराची में रैली निकालने का ऐलान। लाहौर में मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए तालिबे इल्मों का एहतजाज।